खंडवा में पहली बार आयोजित होने जा रहे मानसिंह का रियलिटी मैंगो फेस्टिवल में देवगढ़ और रत्नागिरी के आम उत्पादक लेकर आ रहे हैं विश्व प्रसिद्ध कोंकण का राजा हापुस आम। मैंगो फेस्टिवल है दिनांक 26 मई से 28 मई तक। स्थान है मुरलीधर बिजनेस पार्क, मानसिंह का आयल मिल परिसर, खंडवा। समय है सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक। योगी हैं श्री दादाजी टेंट हाउस, देसी कूल आइसक्रीम, श्री लालाजी किचन, होलसेल वर्ल्ड। आयोजक है आशीष जायसवाल, विश मास्टर इवेंट। देखिए, मैं पिछले 10 दिनों से हॉस्पिटल की लापरवाही का मैं मुद्दा उठा रहा हूँ। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को भी सारी जानकारी दे दी है। मैंने एक पीएमओ को लेटर भी लिख दिया है कि सरकारी हॉस्पिटल में जो लापरवाही चल रही है वो बहुत ज्यादा चल रही है। आप देखिए, जैसे जो ओम जुक्तावत जी हैं, उनको 20 साल हो चुके हैं और उनके 20 साल के कार्यकाल पर आप अगर प्रकाश डालेंगे तो उसमें कहीं ऐसी बड़ी बड़ी लापरवाहियां हुई हैं। जैसे कोविड काल में भी बहुत लापरवाही हुई थी। अभी हजारों करोड़ों रुपए का मेडिकल कॉलेज बना हुआ, उसके बाद भी इतने मरीजों की जान जाना एक जाँच का विषय बनता है और कहीं ना कहीं लापरवाही हुई। अभी देखिए, कुछ दिनों पहले भी पहले गेट पे एक डिलीवरी हुई थी, आज भी एक डिलीवरी हुई है। अभी 6 दिन पहले एक डिलीवरी पेट में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। एक अभी बीच में महिला ने डिलीवरी के समय जान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर लापरवाही चल रही है और इसका दोषी प्रशासन है अपना, जो भी इनको देखने वाले हैं, जैसे डॉक्टर हैं जो है, इन पे जांच। जब हम इतनी बार हम सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम कोई बात उठा रहे थे तो उसमें कुछ तो बात होगी। परिजन से आप खुद जाके देखिए, अभी कल भी महापौर जी ने भी विजिट करी थी तो उनको भी अनियमितता पाई गई। तो ये देखिए, बहुत जांच का विषय है। और ऐसा क्या है कि जो जितने भी मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री हैं वो क्यों नहीं इस ओर ध्यान देते हैं? इतने मंत्री को क्या जुक्तावत जी से ऐसा क्या मतलब मोह है कि वो इतनी लापरवाही होने के बाद भी उनको यहाँ से स्थानांतरण नहीं करते हैं? इस पर भी एक सोचना चाहिए। इसमें 15 महीने की जब हमारी सरकार थी तब तुलसी सिलावट जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो उनको भी हमने शिकायत करी थी, लेकिन वो भी उनको कहीं हटा नहीं पाए। तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है कि इतने स्वास्थ्य मंत्री, इतने मतलब शिकायत होने के बाद भी अगर जुक्तावत जी का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मतलब जांच का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए आ रहे हैं, 15 डिलीवरी से 20 डिलीवरी रोज होती है। अगर आप अनुमानित अगर आप पता करोगे तो 15-25 डिलीवरी इतने बड़े हॉस्पिटल में होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मतलब ये कर सकते हैं, अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोगे 30-35 हजार रुपए खर्चा आता है डिलीवरी का, और यहाँ पर अगर आप लगाओगे तो उससे ज्यादा खर्चा आएगा। 16-25 डिलीवरी में उससे ज्यादा खर्चा आएगा, लेकिन उसको किसी प्रकार की मरीज को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अभी मेरे कुछ डॉक्टर से मेरी बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि जिनके भी एक साल पहले जो ऑपरेशन हो रहे हैं तो उनके टाके भी खुल रहे हैं, उनको अपेंडिक्स की शिकायत भी हो रही है। वो जॉइंट बताते हैं, अभी 3-4 केस ऐसे हुए हैं कि महिलाओं को सरकारी हॉस्पिटल के बाद जो उनके टाके लगते हैं वो धीरे धीरे खुल जाते हैं और उनको अपेंडिक्स के रूप में उनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, ऐसी शिकायतें भी आई हैं। तो कुल मिला के प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जांच करा के ऐसे डॉक्टरों को स्थानांतरित करना चाहिए और अपने शहर की पब्लिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसे अधिकारियों पर ध्यान देना चाहिए जो लापरवाह है। यहाँ मैं सांसद महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ, विधायक जी से भी, कलेक्टर महोदय, सभी जनप्रतिनिधि से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जुक्तावत को आप स्थानांतरण करिए और कोई अच्छा डॉक्टर लेके आइए जो खंडवा की जनता के साथ रहे और उसको उसमें मानवता रहे और वो अपनी जनता की सेवा कर पाए। नहीं तो हम कांग्रेस पार्टी अब आंदोलन करेंगे, हम बड़े पैमाने पर हम अब आंदोलन करेंगे और हम अब हमारी अंतिम सांस तक हम ये हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारने में हमारी पूरी शक्ति लगा देंगे। दीपक राठौर, मुल्लू।